आगे वाले जो प्रजामंडल है उनको कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन से प्रजामंडल। 34 में दो प्रजामंडल बने थे, दो 31 में बने। सन याद रखना भाई, सन पूछेंगे, इनके सन पूछे जाएंगे। मैं हमेशा खुद मना करता हूँ कि सन याद मत नहीं करने, पर आज मैं कहूंगा कि सन याद करने ही है। और टफ है, पर वही दिलीप सर वाली बात कि जो चीजें टफ है उनके आने की संभावना उतनी ज्यादा है। तो 31 में दो प्रजामंडल बने, सबसे पहले जयपुर में बना था, फिर अपने बूंदी वाला बना था, दोनों हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, बूंदी वाले का रिविजन नहीं करवाया, बूंदी वाला भी शायद उसी दिन पढ़ा था हमने। कांतिलाल नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता थे, ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र था 1923 में, ब्यावर से राजस्थान वीकली हाड़ौती खबरें छापा करता था। एक उन्होंने पार्टी और बनाई थी, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद बनाई थी। आज अपने 34 वाले प्रजामंडल पढ़ रहे थे, मारवाड़ वाला पढ़ लिया था, 34 में हाड़ौती और बना था, हाड़ौती प्रजामंडल बना था। कब हुई स्थापना? स्थापना कब हुई? तो 1934। किसने की? तो हाजी फैज मोहम्मद थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। पर बस कुछ भी याद नहीं करना इसमें, यह संस्था काम ही नहीं कर पाई थी। 5 साल बाद में पंडित नैनूराम शर्मा जो थे उसका पुनर्गठन करते हैं कोटा प्रजामंडल के नाम से। तो 1939 में हम कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे वापस, तब वापस इसको और याद कर लेंगे। बाकी इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, पक्की बात है। थोड़ा दिमाग में रह जाए, या कोई आप में से यह नहीं कहे कि सर हाड़ौती वाला तो पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। 1934 हाजी फैज मोहम्मद, बाकी कोई काम नहीं किया था, 5 साल बाद पुनर्गठन हुआ था। और ये भी देखो मजेदार बात है, जयपुर वाला बना 5 साल बाद पुनर्गठन, मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी 5 साल बाद पुनर्गठन, हाड़ौती प्रजामंडल बना 5 साल बाद पुनर्गठन। भगवान जाने 5 साल वाला इनके क्या चक्कर पड़ता था, कहां गया। चलो इसके बाद ये पढ़ लेते हैं थोड़ा, बीकानेर प्रजामंडल। पर बीकानेर में यहां पे प्रजामंडल बनने से पहले भी कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थी जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम कर रही थी, राजनीतिक जन जागृति का काम कर रही थी। जैसे एक संस्था बनी थी 1907 में चूरू के अंदर, ये संस्था बनी थी सर्वहितकारिणी सभा का नाम है, सर्वहितकारिणी सभा। दो बंदे हैं बनाने वाले, मैं दोनों बंदों के नाम लिख रहा हूं ऊपर की तरफ। एक बंदे हैं कन्हैया लाल ढूंढ, नाम याद रखना भाई, ढूंढ के रखा इनका घर वालों ने नाम, अच्छा सा नाम है कन्हैया लाल ढूंढ। और एक बंदे थे स्वामी गोपाल दास, इनका नाम ज्यादा जरूरी याद रखना भाई, ये बड़े नेता हुए हैं स्वामी गोपाल दास, अग्रणी नेताओं में से एक रहे। सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू में स्थापित की गई, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास नाम के दो बंदे थे, इन लोगों ने स्थापित की। नाम क्या है? सर्वहित, सबका साथ सबका विकास, हम तो सबका हित करेंगे। नॉर्मल सी बात, कभी सोच के देखो तो कि सबका हित एक ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे सबका हित हो जाए। मेरे से कोई पूछे कि वह चीज कौन सी जिसका सबसे हित हो जाए, मैं कहूंगा शिक्षा। शिक्षा वह हथियार है जो सबका भला कर सकता है। मुझे लगता है ये लोग भी उस बात को समझ पा रहे थे, इन्होंने भी शिक्षा के लिए कहा कि हम तो भाई सबको शिक्षा देंगे। ठीक है, दे लो शिक्षा, दे ही रही है सरकार, दे रही है सबको शिक्षा। इनका नहीं, सबको नहीं मिल रही है भाई साहब। अभी तक भी समाज के कुछ तबके, समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। कौन से हैं वो तबके? इन्होंने कहा साहब, एक तो दलितों के लिए, तो दलित समुदाय उसको कौन एजुकेशन दे रहा है? एक बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए, इनको कौन शिक्षा दे रहा है? हम इनको शिक्षा देंगे, हम दलितों को शिक्षा देंगे, हम कन्याओं को शिक्षा देंगे, गर्ल्स के लिए देंगे। तो इन्होंने एक तो दलित स्कूल खोले थे, एक गर्ल्स स्कूल खोले थे। दलित स्कूल के नाम तो इन्होंने रखे थे कबीर पाठशालाएं, कबीर पाठशालाएं खोली थी। और जो कन्या स्कूल खोले थे इनके नाम रखे थे पुत्री पाठशालाएं। ये पुत्री पाठशालाएं थी, तो दो खोली थी इन्होंने, एक तो कबीर पाठशालाएं खोली थी, एक पुत्री पाठशालाएं खोली थी। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा बनी थी 1907 में, बनाने वाले दो आदमी थे कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। चूरू बीकानेर रियासत का एक भाग हुआ करता था, तो हमें इसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। ये भाई आपके स्वामी गोपाल दास जी, चूरू में इनका चौक बना हुआ है, वहां पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, हमने वहीं से कॉपी पेस्ट मार ली। इसके बाद इन्होंने एक बड़ी जोरदार और घटना की। यदि आपको याद हो तो
मैंने पिछले में आपको एक घटना बताई थी कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर में एक सेशन हुआ था और नेहरू जी ने उस लाहौर सेशन में घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह घटना बीकानेर रियासत में भी, चूरू के अंदर एक टावर बना हुआ है जिसका नाम है धर्म स्तूप, और वहां धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 को दो उत्साही युवकों ने भारतीय झंडा फहरा दिया। युवक कौन? वही दो नाम जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। स्वामी गोपालदास एक बंदे और थे, चंदनमल बहेड़। इन दो आदमियों ने चूरू के धर्म स्तूप पर क्या कर दिया? झंडारोहण कर दिया, भारतीय झंडा फहरा दिया। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा कि आज आपको यह बात भले ही सिंपल सी लगती हो पर उस समय एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी अपने आप ही होगा। आप बीकानेर नाम के देश में भारत नाम के देश का झंडा कैसे फहरा सकते हैं? तब भारत नाम का देश अलग था जिस पर अंग्रेजों का राज था, बीकानेर नाम का देश अलग था जिस पर राजाओं का राज था। भले ही उस राजा की अंग्रेजों के साथ में संधि थी और यहां पर तो ये कांग्रेस के झंडे ने फहरा रहे थे। तो कहा कि नहीं साहब ये गलत है। पर याद रखें कि उस समय भी ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले बंदे कौन थे? तो स्वामी गोपालदास और चंद्रमल बहेड़ थे, धर्म स्तूप चूरू के अंदर ही। शुरुआती दोनों घटनाएं चूरू से संबंधित है। वापस आप देख लो, सबसे पहले आपके कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपालदास सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू में बनाते हैं, दलितों के लिए कबीर पाठशालाएं खोलते हैं, बच्चियों के लिए पुत्री पाठशालाएं खोलते हैं। फिर आपके 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपालदास और चंद्रमल बहेड़ धर्म स्तूप पर झंडारोहण कर देते हैं, चूरू के धर्म स्तूप पर। बड़ी घटना थी उस टाइम। अब यदि आपने बीकानेर वाला इतिहास ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने एक चीज बताई थी कि बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह जी थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था 1930, 1931, 1932। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भाग लेने वाले थे तो ये आदमी थे, गंगा सिंह थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1931 में, गंगा सिंह जी वहां भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो ये बीकानेर वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, इन बीकानेर वाले कार्यकर्ताओं ने एक पर्चा छपवाया, एक पंपलेट छपवाया। इंग्लिश में पंपलेट था, इंग्लिश में तो हम उसको बोलते हैं बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से था, हिंदी वाले उसका नाम बीकानेर दिग्दर्शन कर देते हैं। कुल मिला के उसमें बीकानेर के प्रशासन में क्या क्या कमियां हैं, ये कमियां लिखी गई। बीकानेर के शासन से संबंधित एक पर्चा था और क्रांतिकारियों की या उन स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा में कहूं तो बीकानेर के कुशासन से संबंधित एक पर्चा था। संबंधित पर्चा कह दो, इंग्लिश में कहो तो पंपलेट कह दो, इंग्लिश में था। दो लोगों ने तैयार किया था इसको बेसिकली, अमृतलाल सेठ नाम करके एक कोई बंदे थे, एक बंदे थे पीएल चूड़ीगर। कहते इसको तैयार करने वाले लोग तो ये थे, तैयार तो करवा लिया होगा, किसी की राइटिंग अच्छी होगी उनसे लिखवा लिया होगा, या तो किसी का दिमाग अच्छा होगा उनको कहा गा लिख दे, पर बंटवाने वाले ये थे स्वामी गोपालदास और ये सब लोग थे, चंद्रमल बहेड़र, इन्होंने इसको बंटवाने के काम किए थे। और कहते गोलमेज सम्मेलन में ये पर्चा बंटवा दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में सब लोग बैठे हुए, उस गोलमेज सम्मेलन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था लॉर्ड सेंकी। लॉर्ड सेंकी उस गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ करता था। वो पर्चा लॉर्ड सेंकी के पास भी, कहते सबके बोलने की बारी है, जब गंगा सिंह के बोलने की बारी है तो लॉर्ड सेंकी के पास वो पर्चा पड़ा था। लॉर्ड सेंकी ने पर्चा उठाया और पर्चा उठाकर सर थोड़ा सा इस पे और बोलो देखे,
गंगा सिंह जी ने पर्चा देखा और पर्चे के अंदर उनकी कमियां बताई, बीकानेर के शासन की कमियां बताई। गंगा सिंह का आज थोड़े कंठ खराब है, कल बात करेंगे अपने। अगले दिन गंगा सिंह जी वापस बीकानेर रहे और पता लगाओ, लिस्ट बनाओ कौन कौन थे। ये बीकानेर नामक देश की, इंग्लैंड नामक देश में छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बीकानेर की शासन की बाहर आलोचना करने की कोशिश की जा रही है। ये वैसे ही मान लो कि आज भी भारतीय प्रधानमंत्री कहीं पर जाए, अमेरिका जाए, अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं वो वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद टाइप के नारे लगा दे। राजा को भी ये लगा कि ये लोग यार मेरी वहां छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह उस समय बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। तो बाद में पता लगा भाई ये लोग थे, तो इन पर एक मुकदमा चलाया गया जिस मुकदमे का नाम है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, बीकानेर कॉन्स्पिरेंसी केस। 32 से 34 के बीच ये मुकदमा चला, खूब सारे लोग गिरफ्तार हुए। मैं कुछ मुख्य मुख्य के नाम बताता हूं आपको, दो तो यही याद रखने अपने, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ, और खूब राम सर्राफ। खूब राम जी सेठ थे, खूब पैसे दिया करते थे, तो इन सब पे अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। बात तो बीकानेर दिग्दर्शन वाली थी, कारण तो बड़ा कारण तो वो था कि आपने पर्चे क्यों बांटे। बाद में तो कई और मुकदमे इन पे लगाए गए। बीकानेर दिग्दर्शन वाली घटना के कारण, हालांकि बाद में तो कहा गया कि उस समय अनाज पे वो कर बढ़ा दिया था। मैंने बताया था अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचने के लिए कर लेते थे जकात, तो जकात बढ़ा दी थी। तो जकात बढ़ाई तो इन लोगों ने मीटिंग की थी, तो बाद में कहा गया आप शासन के खिलाफ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे कई अलग अलग मुकदमे लगाए गए और इन पे एक पूरा चलाया गया बीकानेर षड्यंत्र के। बीकानेर के खिलाफ क्या रचा जा रहा है आपके द्वारा? षड्यंत्र रचा जा रहा है। 1932 से 34 के दौरान ये मुकदमा चला था, ये लोग उसके अंदर गिरफ्तार किए गए थे। मुख्य मुख्य ये थे, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़ दो याद रह जाएंगे, दो ये सर्राफ बंधु और याद कर लेना, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। रघुवर दयाल गोयल एक वकील साहब हुआ करते थे जिन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था। उनका भी मैं लड़ूंगा इनका मुकदमा, ये भी याद रखना कि इनका मुकदमा किसने लड़ा था। बाद में इनका मुकदमा कौन लड़ता है? रघुवर दयाल गोयल। ये घटना याद रहे, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। कोई आपसे मेंस में भी पूछ सकता है 1500 में, तब लिखना कि दूसरे विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ लंदन में बांटे गए बीकानेर दिग्दर्शन के पर्चे के कारण बीकानेर के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर यह मुकदमा चलाया गया था, जिनमें मुख्य मुख्य ये लोग थे। और इस मुकदमे की पैरवी स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से रघुवर दयाल गोयल ने की थी। 1932 से 34 के दौरान यह मुकदमा चलाया गया था। और पढ़ लेते हैं बात। अब प्रजामंडल बना, गतिविधियां चल रही है, प्रजामंडल बना। प्रजामंडल बना है 1936 में। याद रखने वाली बात है कि इसको बनाया गया था कलकत्ता में, ये याद रखना भाई। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है, कोई वापस आपसे पूछ लेगा कि बीकानेर प्रजामंडल कहां बनाया गया था, तो कहां बनाया गया था? कलकत्ता। बीकानेर के बाणिए रहा करते थे कलकत्ता में खूब सारे, तो उन्होंने कहा यार प्रजामंडल अपने यहां पर बना लेते हैं। तो वहां उन्होंने कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सन याद रख लेना 1936, स्थान याद रख लेना कलकत्ता। कौन कौन थे? एक बड़ा नाम है ये याद रखना, वैद्य मग्गाराम। वैद्य मग्गाराम जी थे। फिर दो तीन नाम तो और, एक मुक्ता प्रसाद थे, बाबू मुक्ता प्रसाद। एक ही वकील साहब का नाम, अभी देखो मैंने पीछे जो लिखा है, रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल थे। एक महिला का नाम याद रखना भाई, जो प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, लक्ष्मी देवी आचार्य। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में एक सुमेलित करने का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के अंदर बीकानेर की जो महिला को सुमेलित करवाया गया था उनका नाम लक्ष्मी देवी आचार्य। तो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में सबसे खास बात तो यह कि स्थापना कलकत्ता में हुई थी, महिला कौन सी जुड़ी हुई थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। कौन कौन थे? वैद्य मग्गाराम का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके याद रह जाएंगे। मुक्ता प्रसाद याद रखना, रघुवर दयाल गोयल याद रखना, ये प्रजामंडल बना भाई आपके, तो प्रजामंडल याद रखना।
किसने बनाया, कहाँ बनाया, कलकत्ता वाली बात याद रखना। फिर वही है, पहले पार्टियां हुआ करती थी, नेता हुआ करते थे, आज की तरह ही नेता हुआ करते थे, और नेताओं को लगता था यार इस पार्टी में अपनी बन नहीं रही, तो अपनी नई नई पार्टियां भी बना लिया करते थे। तो इन लोगों ने भी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नाम की एक पार्टी और बना ली, ये बनी थी आपकी 22 जुलाई 1942। वकील साहब वही जो बीकानेर षड्यंत्र अभियोग में जुड़े हुए हैं, वकील साहब जो पैरवी कर रहे हैं, वही वकील साहब जो प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, उन वकील साहब ने अपने अलग बना लिए। और फिर क्या है, पार्टियां बनती राजाओं के टाइम में तो अक्सर राजा रोक लगा दिया करते, रोक लगा देते, तो बाद में कहते लो भाई हम तो अलग बना लेंगे अपने, उस नाम से बंद की दूसरे नाम से बना लिया करते, दोनों याद रखना। प्रजामंडल बना था 1936 में, और ये प्रजा परिषद जो बनी है ये बनी है 1942 में। सन पूछा जा सकता है, और सब ज्यादा दिन का नाम याद रखना, वो वैद्य मग्गाराम ज्यादा याद रखना, उसका संस्थापक वैद्य मग्गाराम पूछेंगे, इसका संस्थापक पूछे तो अपने रघुवर दयाल गोयल याद रख लेना। उधर 1943 में गंगा सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, गंगा सिंह जी की मृत्यु के बाद में नए राजा उनके बेटे बनते हैं शार्दुल सिंह जी, पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की छूट अब भी नहीं मिली। ये जो लोग उत्तरदायी शासन की बात कर रहे थे, जो उत्तरदायी शासन अभी तक भी स्थापित नहीं किया गया, तो जो बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्होंने शार्दुल सिंह के खिलाफ एक दिवस मनाया था, बीकानेर दमन विरोधी दिवस, कि बीकानेर जो हमारा दिवस दमन कर रहा है तो इनके खिलाफ हम बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाएंगे 26 अक्टूबर 1944। प्लीज आप ये दिवस वगैरह भी याद रखना। मैं चाहूंगा कि इन सबको आप अलग से एक साइड के अंदर लिख लें, मोतीलाल दिवस, कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस, जितने भी हमने पढ़े, ये बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो 26 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था। और भी हमने कई किसान आंदोलनों के टाइम में उनमें भी कोई दिवस पढ़े तो वो भी याद रखना, आप सारी बातें याद रखना। प्रजामंडल देखो, एक तो ये मनाया 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस, इन्होंने ये भी मनाया नेताजी दिवस और इंडिपेंडेंस दिवस भी मनाए, ये दोनों तो 1946 में मनाए हुए, ये तो याद हो ही जाएंगे। 1946 में मनाए थे दोनों, पैंतालीस में नेताजी की डेथ हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, है ना। अब नेताजी का बर्थडे मनाया था तो नेताजी दिवस तो ये, तो नेताजी का बर्थडे मैंने दिन पहले ही बता दिया था आपको, 23 जनवरी। ये स्वतंत्रता दिवस वापस याद कर लो, मैंने कहा था जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था हम आजादी का दिन कब मनाते थे, 26 जनवरी। दोनों तीनों दिवस आपके याद रह जाएंगे इस बहाने, बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1944, नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946, मनाते ही थे, इन्होंने भी मना लिया। ये घटना बड़ी याद रखने वाली सी, प्रजा परिषद वालों की एक मीटिंग भी रायसिंह नगर गंगानगर में एक जगह पड़ती है। किसकी मीटिंग थी, तो प्रजा परिषद वालों की एक मीटिंग थी, कहां पर, रायसिंह नगर। रायसिंह नगर कहां पड़ता है, श्री गंगानगर। कब हुई, दो दिवसीय एक मीटिंग थी, 30 जून 1 जुलाई 1946। अध्यक्ष कौन थे इस मीटिंग के, वही सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ। सत्यनारायण सर्राफ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे इस मीटिंग के। सत्यनारायण सर्राफ इस मीटिंग के अध्यक्ष थे। 1 जुलाई वाले दिन ये जो लोग थे ये एक जुलूस निकाल रहे थे, आपके इंग्लिश में बोले तो मार्च। 1 जुलाई को प्रजा परिषद वाले कार्यकर्ता एक मार्च निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे, झंडा हाथ में लेकर नारे लगाते हुए जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, और उस फायरिंग में एक लड़का शहीद हो गया, जिस लड़के का नाम था बीरबल। यह सबसे खास बात है, कोई पूछेगी रायसिंह नगर घटना में कौन सा एक युवक शहीद हुआ था, तो बीरबल नाम का एक युवक शहीद हुआ था। कब, तो 1 जुलाई 1946 को। क्या था, तो प्रजा परिषद वालों का जुलूस निकल रहा था, पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में बीरबल नाम का एक युवक शहीद हो गया था। दो तीन बातें याद रखनी, एक तो इस बीरबल की याद, 1 जुलाई की घटना है, इस बीरबल की याद में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर में। भाई तब संचार के साधन होते नहीं थे, लोगों को धीरे धीरे बातें पता चली यार इस प्रकार पुलिस की फायरिंग में एक लड़का मर गया, 17 जुलाई को उसकी याद में बीरबल दिवस मनाया गया था।
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद याद कर लो 1927 में जो बॉम्बे के अंदर बनी, उसने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। और इस घटना की जो जांच की जानी चाहिए, और इस घटना की जांच के लिए 3 बंदों की कमेटी बनाएगी, इस घटना की जांच के लिए जांच समिति बनाएगी। कौन कौन 3 लोग, मैं वैसे याद करवाता हूं आपके। एक तो जयपुर प्रजामंडल के एक बड़े नेता जो जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं, आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए, हीरालाल शास्त्री, ये स्मिथ। एक आप ज्यादातर लोग जानते हैं, राजस्थान का गांधी के नाम से जाने जाते हैं, गोकुल भाई भट्ट, ये स्मिथ। एक अपने वकील साहब रघुवर दयाल गोयल, देख लो सब जगह इनका नाम आ रहा है। रायसीनगर घटना क्या थी, प्रजा परिषद की 30 जून 1946 और 1 जून 1946 को 2 दिवसीय मीटिंग थी श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर नामक स्थान पर, जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण सर्राफ थे। 1 जुलाई को प्रजा परिषद अपना एक जुलूस निकाल रहा था, उस जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिस फायरिंग में बीरबल नामक एक युवक शहीद हो गया, जिसकी याद में बीकानेर रियासत में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद या ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा इस घटना की जांच के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और आपके रघुवर दयाल गोयल थे। मैं इस बात को और आगे लेके जाऊं तो मैं ये कहूं कि कालांतर में जब हमारा देश आजाद हो गया, हमारा राजस्थान हमारे देश भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया, तब इंदिरा गांधी नहर जो आती है, इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर ब्रांच है, उस जैसलमेर ब्रांच का नाम बीरबल ब्रांच किया गया, और बीरबल ब्रांच इन्हीं बीरबल के नाम पर है। तो वो भी याद रखना कि जो IGNP है आपकी, उसकी जो जैसलमेर ब्रांच है उसका नाम बीरबल ब्रांच है, तो उसके अंदर एक शाखा का नाम हमने बीरबल शाखा रखा। तो कई बार किसी को लगेगा यार ये बीरबल कौन है, तो याद रखना है बीरबल ये बंदा है भाई। मुझे अब भी याद है ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन और है कि 17 जुलाई 1946 को कौन सी रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। तो बीरबल कौन सी रियासत से संबंधित है, तो आप कहोगे सर बीकानेर रियासत से है, तो कौन सी रियासत में मनाया जाएगा, तो बीकानेर रियासत में मनाया जाएगा। हालांकि कई बार जब स्टूडेंट को इस बीरबल के बारे में पता नहीं होता है, तो स्टूडेंट सोचता है यार ये तो अकबर बीरबल वाला बीरबल हो सकता है, और उस अकबर बीरबल वाले बीरबल की तो कहां मनाई जा सकती है। फिर बंदा अपने हिसाब से और दिमाग लगा ले, जयपुर वालों ने मना लिया होगा, जयपुर वाले थोड़े मुगलों के ज्यादा नजदीक रहे थे। नहीं, याद रखनी है ये तमाम बातें, याद रखना इस घटना के बारे में प्री में मेंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने सारा खोल के समझा दिया आपको ये सब कुछ। चलिए आगे, अब ये बीकानेर में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे उनकी बात और कर लेते हैं। मैंने बताए थे कई की कई किसानों की जो घटनाएं हैं वो मैं प्रजामंडलों के साथ साथ बता दूंगा, और चूंकि प्रजामंडल जो थे वो इन 4 किसान आंदोलनों में या 5 किसान आंदोलनों के अंदर भागीदारी निभाता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इनको साथ में पढ़ लिया जाना चाहिए। जागीरी क्षेत्रों में 4 किसान आंदोलन हुए थे, खालसा क्षेत्र में 1 किसान आंदोलन हुआ था, सीधा सीधा से याद रखना। पहले हम जागीरी क्षेत्रों वाले पढ़ रहे हैं। 2 बीकानेर उद्रासर किसान आंदोलन 1937, महाजन किसान आंदोलन 1938, 2 याद रखने। इतना बस सिंपल सा नाम याद रखना, एक तो उद्रासर किसान आंदोलन और महाजन किसान आंदोलन है वो कौन सी रियासत में हुए थे, तो बीकानेर रियासत के अंदर हुए थे, और ये दोनों बीकानेर जिले में पड़ते हैं। ये जगह भी बीकानेर में, ये जगह भी बीकानेर में, सन याद रखना, ये 37 में हुआ था, ये 38 के अंदर हुआ। इसके नेताजी थे, उनका नाम याद रखना है, जीवन राम चौधरी, इसके नेताजी हुआ करते थे, ये याद रख लेना। जीवनराम जी जो चौधरी थे वो इस उद्रासर किसान आंदोलन के नेता हुआ करते थे, सिंपल सी बात याद रखनी। महाजन बीकानेर रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, भोपाल सिंह नाम करके यहाँ का सामंत था, जिसने यहाँ पे टैक्स वगैरह बढ़ा दिए थे, इस वजह से महाजन के किसानों ने आंदोलन किया था। और इनके देखा देखी बाद में 2 क्षेत्रों में और, एक तो पुगल और एक कुंभाणा, ये 2 क्षेत्र और थे जहां पर भी आंदोलन हो गया था इसके देखा देखी। लेकिन बाद में गंगा सिंह जी ने महाजन के सामंत को ऑर्डर दिए कि नहीं भाई इनके बंदोबस्त वगैरह करवा दिए जाए, टैक्स वगैरह कम कर दिए जाए, तो ये आंदोलन तो बाद में दब गया था। नाम याद रखना सिंपल, नेता के नाम याद रखना, नाम याद रखना, सन याद रखना इनके।
दो। ये एक बड़ा किसान आंदोलन था, सन इनके भी याद कर लो, दुधवा खारा 1944, कांगड़ 1946, ये थोड़े से नाम याद रख लेना आप इनके। दोनों चूरू के अंदर पड़ते हैं, दुधवा खारा भी चूरू के अंदर एक जगह, ये भी चूरू के अंदर एक जगह। इसके जो नेता थे उनका नाम था हनुमान सिंह आर्य। देखो आप और याद करो, मैंने बताया था कि आर्य समाज का बड़ा जोरदार योगदान था अपने आंदोलन में। इसके जो नेता थे उनका नाम था मेघ सिंह आर्य। मेघ सिंह आर्य दूधवा खारा किसान आंदोलन के लिए, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि मेवाड़ रियासत में जो स्थान बिजोलिया किसान आंदोलन का है, वही स्थान बीकानेर रियासत में दूधवा खारा किसान आंदोलन का। बड़े नेता हनुमान सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, 3 बार गिरफ्तार किए गए थे, और कहते एक बार तो इन्होंने जेल के अंदर 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी। और कहते हैं इनको तो स्टेट की तरफ से खूब प्रलोभन दिए गए थे, अधिकारी जो भी मीटिंग करने जाते उन्होंने कहा हनुमान सिंह जी 100 मरबे जमीन दे देंगे। कितनी? 100 मरबे, 100 मुरब्बे बहुत बड़े हो जाते हैं भाई, जमीन दे देंगे, आंदोलन आंदोलन खत्म कर लो। लेकिन बंदा सच्चा था, उनका नहीं भाई अपने को तो जो मांगे है वो मनवानी है, मांगे मानो तो देख लो आप। तो जो बीकानेर का राजा था उससे मीटिंग की थी, एक बार भादरा में मिले थे, एक बार माउंट आबू में मिले थे, राजा शार्दुल सिंह हुआ करता था इनके टाइम, कई बातें मान ली गई। इतने में 44 के अंदर तो आंदोलन ही था, 47 में जाते जाते देश आजाद हो गया, तो बाद में ज्यादातर बातें खत्म हो गई थी, मतलब राजस्थान सरकार द्वारा बाद में मान ली गई थी। पर याद रखना भाई दूधवा खारा किसान आंदोलन, ऐसे ये कांगड़ किसान आंदोलन, ये तो मेरे को सिंपल सा याद है, एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कांगड़ किसान आंदोलन कौन सी रियासत के अंदर हुआ था, तो बीकानेर रियासत में। 4 उद्रासर, महाजन, दूधवा खारा, कांगड़, 2 बीकानेर जिला लगता है, 2 में चूरू जिला लगता है, तब 4 में बीकानेर रियासत लगती थी। 37, 38, 44, 46 जीवन राम जी चौधरी, महाजन वाले कोई बड़े नेता इतने है नहीं, इनमें आपके दूधवा खारा में हनुमान सिंह जी आ रहे, 3 बार गिरफ्तार किए गए थे, एक बार तो 65 दिन की भूख हड़ताल की थी बाकायदा। एक और वैद्य मग्गाराम भी इस किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, उनका भी याद रख लेना। स्टेट ने खूब सारे प्रलोभन दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान सिंह जी आ रहे झुके नहीं थे, राजा से 2 बार मुलाकात की थी, एक बार भादरा में मिले थे, एक बार जाके आपके उधर माउंट आबू में भी मिल के आए थे राजा से। हनुमान सिंह जी की वह फोटो देख सकते आप। ये खालसा क्षेत्र में गंग नहर किसान आंदोलन जो था, हमने फिर जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि 1927 में गंग नहर आ गई थी, 27 में आई थी गंग नहर, पर ये जमीनों का आवंटन 1923 में करना शुरू कर दिया गया था। लैंड एलोकेशन जो था, जो जमीनों का आवंटन था, ये 1923 में। जमीनें ज्यादातर किसको दी गई थी? सिख किसानों को। लपड़ा हुआ आपने, पंजाब से नहर लेके आए, अब कहा भाई नहर वाले क्षेत्र में खेती करनी है, तो अपने वालों को तो आती ही नहीं थी नहर वाले क्षेत्र में खेती करनी, तो पंजाब से खूब सारे किसान लेके आए थे उस समय कि भाई आप इस क्षेत्र के अंदर आके खेती करो। उनको जमीनें वगैरह दी गई थी और उनको कहा गया था कि आपको खूब सारी सुविधाएं भी देंगे जमीनों की, तो कहा भाई ठीक है जमीनों के संबंध में सुविधाएं वगैरह मिल जाएगी। 27 में नहर आई, 29 के अंदर पानी वगैरह आना शुरू हो गया था ढंग से, मतलब 29 में सिंचाई होनी शुरू हो गई थी। 30-31 में तीन लोगों ने आंदोलन कर दिया था। कारण क्या आंदोलन के? कारण अब किसान आंदोलन कारण क्या हो सकते हैं, इतने आंदोलन पड़े हमने, हमसे लैंड रेवेन्यू ज्यादा लिया जा रहा है, सिंचाई वाली जो जमीन होती है उस पर सिंचाई का कर लिया करते, सिंचाई का कर हुआ करता था आबियाना, हमसे आबियाना ज्यादा लिया जा रहा है। एक और बड़ी जोरदार चीज थी, जब जमीनें दी गई थी ना किसानों को, तो कहा था भाई एकमुश्त पैसे नहीं चाहिए, एक साथ पैसे मत दो, किस्तों में पैसे दे दो। तो किस्तों में जमीनें दी गई थी, गंगा सिंह ने कहा भाई ठीक है आप तो यहां ले लो, किस्तों में दे दो पैसे, पर यदि किसी की किस्त ड्यू हो गई तो उन पे ब्याज लगने शुरू हो जाते और ब्याज के पैसे बढ़ते बढ़ते किस्तों की संख्या बढ़ जाती। तो जो किस्तों पे ब्याज बढ़ रहा था उसकी वजह से भी ये लोग परेशान थे और ये चाहते थे कि भाई हम पर ये जो ब्याज नहीं लगाया जाए, इन वजह से इन्होंने आंदोलन कर दिया। ये याद रखना आबियाना मतलब क्या होता है, सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स जो होता है उसको आबियाना कहते हैं। इन लोगों ने बाकायदा यहां पर एक पार्टी बनाई थी जमींदारा संघ, शुरुआत में तो इसके नेता थे दरबार सिंह,
बाद में इसके नेता बने थे करतार सिंह। ये करतार सिंह जी तो लाहौर में सिख कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे। दो नेता बने थे जमींदार संघ। और देखो पूरे किसान आंदोलन पढ़े तो हम जमींदार कहने का मतलब था सामंत, लैंडलॉर्ड, पर पंजाब साइड में किसान को जमींदार कहते थे। तो यहाँ किसानों की जो पार्टी बनी थी वो जमींदार संघ है, याद रखना। जमींदार संघ से किसी के दिमाग में ये ना आ जाए कि यार ये तो जमींदारों की पार्टी बन गई, जमींदार मतलब वहां किसान ही थे, क्योंकि भूमि का मालिक उसे माना गया था तो जमींदार। आप कभी पंजाबी गाने सुनते होंगे तो खूब सारा यूं वर्ड आते होंगे, मेरा बापू जमींदार के थोले के देवे कार, कि बापू जमींदार है मुझे कार कहां से लेके दे। अपने कोई किसान आंदोलन पड़ा हो लगेगा अच्छा जब बापू जमींदार है फिर तो कार आ ही सकती है तेरे पास में, पर फिर याद आता है कि नहीं भाई बापू वो वाला जमींदार है, किसान है, और किसान के पास तो आड़ती के पास में देने के लिए फसल होती है, उससे आड़ती के पैसे चुक नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाते हैं, तो कार कहां से लेके देता। आप वो गाना और देख लेना, बोले उसमें और चीजें आपकी समझ में आएगी कि किस प्रकार किसान की क्या हालत है। और इन्होंने कहते हैं कि ये जब टैक्स वगैरह बढ़े हुए थे कम नहीं किए जा रहे थे, तो माफी दिवस मनाया था इन्होंने कि भाई हम 14 मई 1941 को इन्होंने कामकाज बंद रखा था, भाई हमारे लगान वगैरह के अंदर माफी दी जानी चाहिए। हालांकि आंदोलन एक बार जब 30-31 में शुरू किया था, हाथों हाथ गंगा सिंह जी इनसे जाके मिले थे, आंदोलन बंद हो गया था, फिर एक बार वापस शुरू हुआ था शार्दुल सिंह के टाइम में, पर बाद में भी इनकी बातें ज्यादातर मान ली गई थी, तो आंदोलन बाद में बंद हो गया था। एक कारण और था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फसलों की उपज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो किसानों की आमदनी बढ़ गई थी, तो किसानों के बाद में भाई घाटे की लड़ाई है, आमदनी बढ़ गई तो किसान रेवेन्यू वगैरह भी दे देता है, और दूसरा सिंचाई का पानी भी ज्यादा आने लग गया था उसके बाद, तो उसके बाद किसानों ने खुद आंदोलन बंद कर करवा दिए। पर ये नेताओं के नाम, पार्टी का नाम, ये माफी दिवस मनाया, ये तमाम बातें थोड़ी याद रख लेना। ये खालसा क्षेत्र के अंदर हुआ था, गंग नहर वाले खालसा क्षेत्र में, आप याना याद रखना क्या होता है, ये बातें सब याद रहे आपके। एक एक और मैं इससे पहले थोड़ी सी और बताऊं, ये बीकानेर वाले किसान आंदोलन जब बढ़ रहे हैं तो एक बड़े नेता का नाम और याद रखा जाना चाहिए, हमारे कुंभाराम जी। कुंभाराम जी आ रहे थे, चौधरी कुंभाराम आ रहे, ये भी बहुत बड़े किसान नेता रहे, और बाकायदा प्रजा परिषद वालों की एक मीटिंग हुई थी जिसको इन्होंने संबोधित किया था, प्रजा परिषद की एक गांव पड़ता ललाना, उस ललाना गांव के अंदर जो सभा हुई थी उसको इन्होंने संबोधित किया था। इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम है किसान यूनियन क्यों, आजाद भारत में भी राजस्थान के एक बड़े नेता के रूप में रहे थे, बड़े किसान नेता रहे थे। आप फिर नाम के आगे आर्यन देखिए तो आप देखिए इन क्षेत्रों में आर्य समाज का कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा। चौधरी कुंभाराम आर्य, जिनके लिए राहुल गांधी एक मीटिंग के अंदर बोल गए थे कि आपके राजस्थान में कुंभकर्ण जी हुए थे, तो कुंभकर्ण जी नहीं है वास्तव में अपने बड़े नेता थे भाई, चौधरी कुंभाराम आर्य हुए थे। तो इनका भी मैं चाहूंगा कि आप नाम याद रखें, उस क्षेत्र के बड़े नेता थे। फिर धौलपुर वाला प्रजामंडल, 36 में दो बने थे, बीकानेर बना था, धौलपुर बना था, तो मैंने धौलपुर वाला भी इसीलिए आपके लिख लिया है। थोड़ी पार्टियां बनी थी, उन पार्टियों के नाम याद कर लेते हैं। एक बनी थी आचार सुधारिणी सभा, 1910 के अंदर यह पार्टी बनाई गई थी, बनाने वाले दो आदमी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी, और वही शिक्षा वगैरह की इनकी व्यवस्था करने वाली सी पार्टी थी, पुस्तकालय वाचनालय ये खोलने पर। याद रखना आपने तो आचार सुधारिणी सभा कौन से स्टेट में बनी थी, तो धौलपुर स्टेट में बनी थी। कब बनी थी, तो 1910 में बनी थी। एक ये नागरी प्रसारिणी सभा बनी थी 1934 में, और याद कर लो आप तो नागरी मतलब देवनागरी भाषा, देवनागरी मतलब हिंदी, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पार्टी बनी थी नागरी प्रसारिणी सभा। कर दो वापस हुई, यहाँ ये बड़े नेता ये थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। एक और आपके क्या नाम था, जोहरीलाल इंदु, इन लोगों ने मिलकर एक नागरी प्रसारिणी सभा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और बनाई। पर मैं यहां पर एक बंदे का नाम और मेंशन करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था यहाँ पे, आर्य समाज के एक बड़े नेता हुआ करते थे, स्वामी सर्धानंद। ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धौलपुर में राजनीतिक चेतना जगाने में आर्य समाज के कौन से नेता ने अपना मुख्य योगदान दिया था, तो आर्य समाज के जो मुख्य नेता थे उनका नाम क्या था, स्वामी सर्धानंद थे।
किसके नेता थे? आर्य समाज के नेता थे। इन्होंने 1918 के आसपास में यहाँ पर बड़ा आंदोलन चला दिया था, और इन्हीं की जागृति की वजह से नागरी प्रचारिणी सभा ये सब बनी थी, क्योंकि आर्य समाज स्वयं भाषा स्वयं देशी इन पर बहुत ज्यादा बल दिया करता था। तो बाद में फाइनली यहाँ 1936 में प्रजामंडल बना, स्थापना 1936 में। संस्थापक इनका नाम याद रखना, कृष्णदत्त पालीवाल ने ये प्रजामंडल बनाया था। सन याद रखना, देखो मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आरपीएससी ने यदि कभी किसी प्रजामंडल का सन पूछा है तो धौलपुर का ही पूछा है, 1936। भगवान जाने उनको क्या प्यार है। मैं आगे और बताऊंगा कि यदि उन्होंने संस्थापक किसी का पूछा तो करौली का पूछा, त्रिलोक चंद माथुराम और पढ़ लेंगे आगे। तो सन पूछा हुआ तो धौलपुर का, संस्थापक पूछे हुए तो करौली के। अभी तक का तो ट्रेंड ये है, बाकी वाले भी पूछे जा सकते हैं, आप याद करना। आप ये नहीं कि आप फिर कह दो कृष्णदत्त पालीवाल को तो क्यों याद करें, सर ने कह दिया करौली वाला ही पूछेंगे। पर आप सन भी याद करना, ये चीज भी याद कर लेना भाई, दोनों याद रखना। एक ये बड़ी जोरदार सी घटना है, तसीमो धौलपुर का एक गांव पड़ता है। इस गांव में पहले तो एक अधिवेशन हुआ था, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक मुख्य गांव था। 12 नवंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ था, तो यहां पर लोगों में राजनीतिक चेतना ज्यादा आई, तो ये राजा की नजरों में आया, अच्छा यार इस गांव के अंदर ऐसी बातें ज्यादा हो रही है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, नागरिकों को अधिकार दिए जाए। तो 11 अप्रैल को यहां पर एक मीटिंग और हो रही थी, 11 अप्रैल 1947, आजादी से महज थोड़े से समय पहले राजा फायरिंग करवा देता है। दो युवक इसमें शहीद होते हैं, एक युवक का नाम था छत्तर सिंह परमार, एक का नाम था पंचम सिंह कुशवाहा। धौलपुर के राजा हुआ करते थे उदयभान सिंह, वसुंधरा जी के ससुर जी, ये नेता ये सॉरी राजा हुआ करते थे। तसीमो गांव के अंदर फायरिंग करवाई गई थी, याद रखना भाई, तसीमो कांड कोई पूछ सकता है, डाबड़ा कांड, तसीमो कांड, जान जाए फायरिंग भी थी, सारी बातें याद रखनी। दो नेता ठाकुर छत्तर सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा नाम के दो लड़के थे जो यहां पर शहीद हो गए थे। झंडे को पकड़ खड़े थे ना, फायरिंग कर दी गई थी, हालांकि फिर तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है ना, पुलिस को वापस ही पीछे जाना पड़ता है, पर इन दोनों लड़कों के नाम याद रहे भाई, कि दोनों लड़के इसके अंदर शहीद हुए थे। तो ये वाली बात भी याद रखना, तसीमो कांड याद रखना, आगे तो कुछ है नहीं, इतनी है, आज दो ही पढ़ेंगे हम तो, बीकानेर और धौलपुर, इनमें नाम वगैरह खूब सारे हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़े से पढ़ लें। अब आगे तक मेवाड़ वाला जरूर बढ़ा है, बाकी वाले तो फटाफट कर लेंगे, आप याद करना आप। थैंक यू।